हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं कांदा भजिया। पहले हम चटनी की तैयार कर लेते हैं। हमने कच्चे आम की चटनी तैयार करेंगे, तो इसलिए हमने कच्चा आम लिया है। उसको छील लेंगे, काट लेंगे बीज निकाल करके। अब कच्चे आम का सीज़न चल रहा है, तो कच्चे कह रहे हैं कि चटनी बहुत टेस्टी लगती है। पुदीना, लहसुन, मिर्च 5-6 मैंने लहसुन कली लिया है, नमक, शक्कर, क्योंकि आम बहुत खट्टा होता है, आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। हम चटनी पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी चटनी बन के हो गई है तैयार। अब हम भजिया बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ हम 5-7 प्याज लिए हैं, इसको हम लंबा लंबा काट लेंगे कुछ इस तरह से। तो हमने इसमें डाला है बेसन हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, भजिया में ज़्यादा बेसन अच्छा नहीं लगता। हरी धनिया बारीक कटी हुई, चाट मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आपके पास जो मसाले आप डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, नमक, इन सबको अच्छी तरह से हम सूखा ही पहले मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा पानी यूज नहीं होता भजिया में। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा भजिया फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम भजिया फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो हमने गैस ऑन कर दिया है, उसमें रखेंगे कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो हमारा तेल यहाँ गर्म हो चुका है, हम चेक करते हैं। एक एक करके सभी भजिया को हम फ्राई करेंगे। हम फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, इससे हमारी भजिया बहुत टेस्टी और कुरकुरी बनती है। तेल ज़्यादा अगर हमारा गर्म हो जाता है तो भजिया जल जाती है, अच्छी नहीं बनती है। तो धीरे धीरे हम पलटी करेंगे भजिया को। अपने भजिया को ब्राउन होने तक पकाएंगे, इससे हमारी भजिया बहुत टेस्टी बनती है, कुरकुरी बनती है। तो हमारी भजिया ब्राउन हो चुकी, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारी भजिया बन गई, हो गई है तैयार। इसको हम निकाल लेते हैं, अच्छी तरह से निकालेंगे जैसे उसका तेल ना आए। इसी तरह से सभी भजिया को हम फ्राई कर लेंगे एक एक करके। आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमारी सारी भजिया बनके हो गई है तैयार। तो हमारे पास ये बड़ा वाला मिर्च था, हमने कहा भजिया के साथ बहुत टेस्टी लगेगा, इसको ही फ्राई करते हैं। तो मैंने इसको बीच से काट लिया है, मिर्च जैसे फटे ना, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है, ये हमारा मिर्च बहुत टेस्टी लगेगा खाने के साथ। फ्राई हो चुका है, तो हम प्लेटिंग करते हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों को बहुत पसंद आता है कांदा भजिया। तो हमारा कांदा भजिया बन के हो गया है तैयार। तो मैंने यहाँ पे पुदीने की चटनी, केचप के साथ जो मैंने मिर्चा फ्राई किया है वो भजिया के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड।